चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक आज। तो बीजेपी की नई टीम की घोषणा आज हो सकती है। उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री पद के नए चेहरों को मिल सकती है जगह। तो कुछ प्रदेश पदाधिकारी हटाए भी जा सकते हैं। तो आज का दिन काफी अहम, बीजेपी की नई टीम की घोषणा आज हो सकती है। तो लखनऊ में ये बैठक आयोजित की गई। तो उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री पद पर नए चेहरों को जगह मिल सकती है। तो आज लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक। माना जा रहा है कि इस बैठक में यूपी के लिए बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो सकता है, जिस पर सबकी निगाहें हैं, साथ ही साथ विपक्ष की भी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी नई टीम पर आज मुहर लगा सकते हैं। तो टीम में प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री पद पर कुछ नए चेहरों को तरजीह मिल सकती है। तो वहीं कुछ प्रदेश पदाधिकारी हटाए भी जा सकते हैं। तो प्रदेश टीम को लेकर दिल्ली में मंथन के बाद लौटे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय में काफी देर तक बैठक की थी। और आज इसी संदर्भ में संगठन की अहम बैठक लखनऊ में, जिसमें कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। तो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको हटाया जा सकता है। तो आज लखनऊ में यह संगठन की अहम बैठक है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी और आगे आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति भी तय की जा सकती है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक आज। लोकसभा की हारी हुई 14 सीटों पर होगा मंथन। तो राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। धर्मपाल सिंह और अन्य बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली की सत्ता तक जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। और बीजेपी का मिशन 2024 के लिए सबसे ज्यादा फोकस 2019 में यूपी की हारी हुई लोकसभा सीटों पर है। और यही वजह है, जहां एक तरफ नई घोषणा जो है टीम को लेकर हो सकती है, तो दूसरी तरफ 14 हारी हुई सीटों को लेकर भी आज मंथन बीजेपी की तरफ से। तो जिसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठकें होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो बैठक में यूपी की 14 हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आगामी चुनावों को लेकर यह मंथन काफी अहम होगा। तो आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर बीजेपी को शिकस्त जो है वो झेलनी पड़ी थी, और इस बार 80 लोकसभा सीटों को लेकर जो है लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है। और ऐसे में 14 सीटों को लेकर इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस है, और इसी को लेकर आज बड़ी बैठक लखनऊ में होने जा रही है। जो हलचल है बीजेपी की तरफ से, वो काफी तेज जो है वो लखनऊ में आज के दिन रहने वाली है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, आज ताबड़तोड़ बैठकें हैं और कई मायनों में ये बैठक काफी अहम आगामी चुनावों को लेकर। क्या चहलकदमी, क्या हलचल लखनऊ में?